हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ जीके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, एसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी, यानी किस मगध शासक ने जो है अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी। तो आंसर ऑप्शन सी यानी उदयन ने, ठीक, उदयन ने जो है अपनी राजधानी जो है राजगृह से जो है पाटलिपुत्र बनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिहार का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत है, यानी जो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है और संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है। तो आंसर ऑप्शन सी यानी 2.86%। ध्यान दीजिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत का जो है 2.86% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, यानी जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो कब हुआ था। तो आंसर ऑप्शन डी यानी 1761 ईस्वी में, ठीक, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस दिन को गणराज्य घोषित हुआ था, यानी जो भारत जो गणराज्य घोषित किया गया था तो किस दिन को घोषित किया गया था। तो आंसर है ऑप्शन डी यानी 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, भारत जो कि 26 जनवरी 1950 को जो है गणराज्य घोषित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी जो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है। तो आंसर ऑप्शन सी यानी 6 वर्ष का, ठीक, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए जमानत की राशि कितनी होती है, यानी जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए जो जमानत राशि होती है तो कितनी होती है। तो आंसर ऑप्शन बी यानी 15,000। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए जमानत राशि जो है 15,000 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी किसी राज्य विधानमंडल में जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी यानी 500, ठीक, अधिकतम जो कि 500 सदस्य हो सकते हैं, और मिनिमम जो है 60 सदस्य हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है, यानी जो भारत में जो नागरिकता निर्धारित किया जाता है तो किस सिद्धांत पर किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन सी यानी जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत पर जो है भारत में जो है नागरिकता निर्धारित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जो केंद्रीय मंत्रीगण है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर ऑप्शन बी यानी लोकसभा के प्रति, ठीक, केंद्रीय मंत्रीगण जो कि लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो आंसर ऑप्शन ए यानी भारत का, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो कि भारत का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, यानी जो मराठा प्रशासन था तो उसमें प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो आंसर ऑप्शन सी यानी पेशवा, ठीक, मराठा प्रशासन में जो है प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर ऑप्शन डी यानी एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा जो है लिखी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, यानी जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसर ऑप्शन सी यानी एस राधा कृष्णन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक जो है एस राधा कृष्णन के द्वारा जो है लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी किस अफ्रीकी देश ने जो है सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। तो आंसर ऑप्शन बी यानी घना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, यानी जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर ऑप्शन बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था, यानी जो अलीगढ़ आंदोलन जो कि 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद जो शुरू किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था।
तो आंसर है ऑप्शन डी, यानी सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन को जो है आरंभ किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो आंसर ऑप्शन बी, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली, यानी जो म्यांमार है उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो आंसर ऑप्शन डी, यानी सैनिक शासन प्रणाली। ठीक, म्यांमार में जो है सैनिक शासन प्रणाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, यानी जो भारत है उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो आंसर ऑप्शन बी, यानी लोकतंत्रात्मक। ठीक, भारत में जो है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। तो आंसर ऑप्शन सी, यानी बिक्री कर। ठीक, बिक्री कर जो है नगर निगम का आय का स्रोत जो है नहीं है, और बाकी जो है सरकारी अनुदान, भवन कर और नाली कर, ये तीनों जो है नगर निगम का जो है स्रोत है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यानी जो महाबलीपुरम के मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था तो किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर ऑप्शन बी, यानी पल्लव वंश के द्वारा। ठीक, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड यानी हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, यानी जो नीदरलैंड की मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन डी, यानी गिल्डर। ठीक, नीदरलैंड की मुद्रा को जो है गिल्डर कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए, यानी 11 जुलाई को। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं, यानी जो खगोलीय पिंड संबंधित जो ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को जो है एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से, यानी जो गीत सेठी है उसका संबंध किस खेल से है। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी बिलियर्ड से। ठीक, गीत सेठी जो कि बिलियर्ड से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किस खेल का आरंभ जो कि इंग्लैंड में हुआ था। तो आंसर ऑप्शन सी, यानी क्रिकेट का। ठीक, क्रिकेट का आरंभ जो है इंग्लैंड के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, यानी जो कोणार्क मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। तो आंसर ऑप्शन डी, यानी सूर्य भगवान को। ठीक, कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य भगवान को जो है समर्पित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए के प्रथम महासचिव कौन थे। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए के प्रथम महासचिव कौन थे। तो आंसर ऑप्शन ए, यानी त्रिगवेली। ठीक, यूएनए के प्रथम महासचिव जो कि त्रिगवेली थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में कब खुला था, यानी जो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला कारखाना कोलकाता में खोला गया था तो किस वर्ष खुला था। तो आंसर ऑप्शन बी, यानी सन 1818 में। ध्यान दीजिएगा, सन 1818 में जो है भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना जो कि कोलकाता में जो है स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो कि 15 सितंबर 1959 को कहाँ पर स्थापित किया गया था, यानी जो भारत में जो प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था जो कि 15 सितंबर 1959 को किया गया था तो कहाँ पर किया गया था। तो आंसर ऑप्शन ए, यानी नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक जो है धन विधेयक है, यानी भारत में किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जो अमुक विधेयक है वो धन विधेयक है। तो आंसर है ऑप्शन टी, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि जो अमुक विधेयक है वो धन विधेयक है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियन खेल 1951 में कहाँ पर खेले गए थे। दोस्तों, इसमें बताना है कि जो प्रथम एशियन खेल हुआ था जो कि 1951 में हुआ था तो कहाँ पर खेले गए थे। ऑप्शन ए, बैंकॉक में, ऑप्शन बी, जकार्ता में, ऑप्शन सी, नई दिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी, टोक्यो में। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।